नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सी एस दांगी है और मैं साई हॉस्पिटल सिरोंज संस्था का डायरेक्टर हूँ। सर, सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि कुपोषण क्या है? हाँ, तो हम आपको सबसे पहले यही बताना चाहेंगे कि कुपोषण की लोग अलग अलग परिभाषा होती है। कुपोषण का सीधा सीधा अर्थ है कि आपको पोषण सही तरीके से ना मिलना, वो कुपोषण है। लेकिन अकेला पेट भरना ही सुपोषण नहीं होता है। मतलब खाने में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज तत्व, ये सब की पूर्ति होना ही पोषण का आधार है। पोषण उसे कहा जाएंगे जो कि शरीर में हर चीज की पूर्ति कराएगा। ऐसा आहार जिससे इन सभी की पूर्ति होगी उसे हम पोषक कहेंगे। डॉक्टर साहब, आप इस क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं और किस तरह से आप काम करते हैं इस कुपोषण पर? देखिए, मुझे अभी यहाँ लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। मैं अपने एक रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी है उसके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं और इसमें हम कुपोषित बच्चों को चिन्हित करते हैं। हमारी संस्था के कुछ वॉलेंटियर हैं, वो जाते हैं आंगनबाड़ी से सहायता लेते हैं, आंगनबाड़ी वाले चिन्हित करते हैं और वो यहाँ की सलाह देते हैं। चिन्हित करना, उसके लिए समझना पड़ता है कि कौन बच्चा कुपोषण है। तो अगर बच्चे की स्किन लटक रही है उसको समझ सकते हैं ये कुपोषण है। जिसका वजन कम हो रहा है, जिसकी स्किन सफेद पड़ रही है, ये सब कुपोषण में आते हैं। जिसका हाइट नहीं बढ़ पा रही है, ये कुपोषण है। तो ऐसे बच्चों को वो चिन्हित करके यहाँ के हमारे यहाँ की सलाह देते हैं, फिर हम उनको यहाँ सारा इलाज बताते हैं और डाइट बताते हैं। सर, अभी तक आपने कितने बच्चों को कुपोषण से उभारा है? अभी तक हमने हमारी संस्था द्वारा 630 बच्चों का कुपोषण से सुपोषण पे काम किया है और ये सभी बच्चों, अभी हमारे पास सभी का रिपोर्ट है। सारे बच्चों का वजन भी अच्छे से बढ़ा है, खाना पीना अच्छा से होने लगा है, हाइट बढ़ी है और जो मानसिक रोग कई कुपोषण से कई मानसिक कमजोरियां भी आ जाती हैं, तो मानसिक कमजोरियां हो गई हैं उनको भी उबारा है और कई बच्चे आज बहुत स्वस्थ हैं। सर, जो आप अभियान चला रहे हैं, जो कुपोषित बच्चों का आप ट्रीटमेंट देते हैं, क्या आप इसका कोई शुल्क लेते हैं क्या? नहीं, हमारी संस्था और खुद हम डॉक्टर कोई इसका शुल्क नहीं लेते। हम निःशुल्क दवाइयां वितरित करते हैं, निःशुल्क डाइट प्लान देते हैं, निःशुल्क चिन्हित करते हैं, प्रोटीन डाइट देते हैं, विटामिन्स देते हैं, मिनरल्स देते हैं और कोई चार्ज नहीं लिया जाता। सभी निःशुल्क है और हमारी संस्था हमेशा अभी कई वर्षों से निःशुल्क करती आ रही है और आगे भी निःशुल्क करती रहेगी। इसमें कई लोग हमारा सहयोग भी करते हैं और जरूरी है सहयोग करना। तो जो आप मेडिसिन देते हैं उसके अलावा भी कोई घर के लिए कोई डाइट प्लान बताते हैं आप बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बताया मैंने कि कुपोषण जो होता है, अपना खान पीन में आहार में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें की कमी की वजह से कुपोषण होता है। तो ये सब चीजें खाने पीने में ना आने की वजह से कुपोषण है। तो उसको हमारे यहाँ से बताते हैं कि जो हम 1 से 5 साल तक के बच्चों को भी चिन्हित करके देखते हैं, उनके लिए बताते हैं कि दाल जो है, उबाल के छोटे बच्चों को दाल का पानी दें, दाल खिलाएं, आलू खिलाएं और इसके अलावा अंडे खिलाएं, दूध दें और कुछ प्रोटीन हमारे तरफ से दिए जाते हैं, जो न्यूट्रिशन है वो दिए जाते हैं, विटामिन्स दिए जाते हैं। जिनमें हमें आयरन की कमी लगती है उनको आयरन की मेडिसिन दी जाती है, इसका अच्छा सदुपयोग होता है। डॉक्टर साहब, अभी तक संस्था की क्या उपलब्धियां रही हैं आपको? देखिए, हमारी संस्था को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार दिया गया है उनके द्वारा और बाल कल्याण जो है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा भी हमें पुरस्कृत किया गया है और हम इन सबको धन्यवाद देते हैं कि हमारे अच्छे कार्य की सराहना की गई और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। अभी तक आपकी संस्था में कितने लोग कार्य कर रहे हैं? अभी तक हमारी संस्था में 15 से 20 लोग हैं जो कि निःशुल्क वॉलेंटियर हैं, सभी जगह जाके समाज सेवा का काम करते हैं और कुपोषण पे भी अभी हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ अभी आपने कार्य किए हैं, मतलब किस किस जगह, किस संस्थान, कहाँ कहाँ है आपकी? अभी हमारा भोपाल,
भोपाल क्षेत्र, विदिशा डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र, लटेरी क्षेत्र, अशोक नगर क्षेत्र, इस जगह पे काम चल रहा है कुपोषण के। हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वहां पर किसी पड़ोस में कोई बच्चा कुपोषित है या उनके परिवार में कोई कुपोषित बच्चा है तो आप तक किस तरह से पहुंच सकता है वो बच्चा? हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम अपना एड्रेस भी उसमें देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, जिसको मोबाइल पे बात करना हो या डायरेक्ट एड्रेस देखकर यहाँ आना हो, बिल्कुल हम उसका निःशुल्क उपचार करेंगे और सलाह देंगे। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस तरह से जो एक उपलब्धि भरा कार्य कर रहे हैं? मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा, तो सब अपने लिए तो सभी करते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना सीखें। तो हम बस इसी के कामना करते हैं कि सभी थोड़ा थोड़ा समाज सेवा में, किसी भी क्षेत्र में, कुपोषण के अलावा भी बहुत गरीबी के लोग, गरीब लोग हैं, उनके गरीबी के कोई ऐसी परेशानियां हैं, उन सबको दूर करने का काम करें। और सबसे मैं यही कहूंगा कि समाज सेवा में आगे आए और दूसरों को भी उससे प्रोत्साहित करेंगे। सर, आपसे जुड़ने का कोई माध्यम, कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, संस्था से जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है? बिल्कुल, हमारे जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेश पटेल जी, उनका हम नंबर अपने वीडियो में देंगे, उनको कॉल करके वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारी संस्था से जुड़ें और जो भी सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। सर, आप इस तरह से काफी समय से काम कर रहे हैं और काफी खुशी की बात है। आपका एड्रेस वगैरह आप बता सकते हैं, कोई भी जैसे मरीज आए, पेशेंट आए तो आपसे मिलकर आप ट्रीटमेंट करा सकते जी। मेरा जो हॉस्पिटल है साई हॉस्पिटल सिरमौर में स्थित है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ आप बिल्कुल मुझसे मिल सकते हैं, बेझिझक आप बता सकते हैं कि हम कुपोषण के तहत बात करना चाहते हैं। रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी, इसके द्वारा काफी दिनों से कुपोषण के बारे में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान में काफी लोग कार्य भी कर रहे हैं तो मेरा ये आप सभी से संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर और इस अभियान से जुड़कर आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लें। मैं सीएस दानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकाल कर आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।